आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। रिकॉर्डिंग करा? हाँ, करते थोड़ा घुमा दीजिए। मनोज गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनेर नगर मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, और काफी सम्मानित किया गया इनको। आपको बता दें कि पिछले बार भी ये अध्यक्ष पद पर यहाँ से थे, और इस बार भी इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनके कामों को देखते हुए काफी सराहा गया है। और यही नहीं, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में यहाँ हमारे जो राम कृपाल यादव जी आए, तो ऐसे में इनके किए गए कार्यों को काफी सराहा, और उसका परिणाम हुआ कि फिर से इन्हें एक जिम्मेवारी दी गई। तो आप जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्या बात है, और काम करने का तरीका क्या है कि ये हमारे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जाने माने युवाओं में शामिल हुए। मनोज जी, आखिर आप बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा काम किए कि लोगों में आपकी चर्चा बढ़ गई? देखिए, हम कोल इंडिया के माध्यम से आपसे पहले भी नॉमिनेशन किए थे हम मनेर नगर मंडल का। आपके माध्यम से हमने कहा था कि हम एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, नेता नहीं, हम एक वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। आज जो वर्कर के रूप में हमने काम किया था, संयोजक बन के जो हमने काम किया था, और हमने जो काम किया, काम के जितना हम लोग हर बूथ पर काम किया, शक्ति केंद्र पर, प्रभारी स्तर पर काम किया, मनेर के एक एक बूथ पर काम किया, हमने मनेर के सारे लोगों से मिलकर हमने काम किया, और पुनः हमको भारतीय जनता पार्टी जो अब मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मैं तो पहले मनेर नगर वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, जिला के लोग को मैं बधाई देता हूँ, और जिला प्रभारी जो हमारा निवेदन सिंह थे, मैं उनको बधाई देता हूँ, और माननीय राम कृपाल यादव हमारा जी, हमारे सांसद जो पद यात्रा जो किए थे, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और हम इसमें कोई पद के लालच से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। पद हम पहले ही बोले थे कि लड़ाई हमारा होना चाहिए अगला विधानसभा में, तो आरजेडी से होना चाहिए था, कांग्रेस से होना चाहिए था। ये हमारा पार्टी में लड़ाई नहीं है, पार्टी में तो एक जिम्मेवारी देती है कि नीचे से बूथ स्तर से काम जो वर्कर करे। मैंने किया तो जिला और प्रदेश को लगा कि लड़का काम करने वाला है, पुनः फिर मुझे अध्यक्ष बना के हमको जिम्मेवारी दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे मिला, मैं उस जिम्मेवारी से कतई पीछे नहीं हटूंगा, और इतना काम करके मैं दूंगा कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय तक याद करेंगे कि मैंने जो काम किया। कोई पद के लालच में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी और देश सेवा में हमने काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे में काम के लिए अगर आपको फिर से ये चुना गया है, तो कुछ जिम्मेवारियां आपकी और बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी जब से केंद्र में आई है तो और भी पार्टियां हैं, अक्सर बीजेपी को नीचे गिराने में लगी हुई हैं, या बीजेपी को हटाने में लगी हुई हैं, या उसके काम को, जो भी काम हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आप मनेर विधानसभा में बीजेपी के लिए किस तरीके से आगे आएंगे? कारण मनेर विधानसभा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको संघर्ष करना पड़ेगा वहां मजबूती के लिए, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, 2019 का चुनाव देखिए आप, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, जब भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहे हैं, तो 2019 में पूरे हिंदुस्तान के लोग इतना बहुमत दिया कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे। ये मनेर विधानसभा तो हम लोग अभी 2019 में लड़ेंगे चुनाव, फिर 20 में लड़ेंगे विधायक का चुनाव में। मनेर नगर जो है भाजपाइयों का गढ़ रहा है, और इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता है, ये हमारा दावा है। अब यहाँ पर आपका 2020 में चुनाव है,
विधानसभा का हम लोग निकालेंगे इसको, उसके बाद आपका चुनाव नगर पंचायत का सुनने के दल कर भावना पर चुनाव होगा, पार्टी दल पर होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाजपा का घर रहा है 19 पंचायत है हमारे मने नगर में, और 19 में कम से कम 17 से 18 सीट भारतीय जनता पार्टी का वार्ड काउंसिलर जीत के आवेगा, और पूरा मनेर में भारतीय जनता पार्टी का एक नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, अपना सरकार होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहूंगा, इनके साथ बहुत दिनों से कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं बदली, सबसे बड़ी विशेषता है, और संघर्ष करते आ रहे हैं बीजेपी के लिए, ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनसे मैं जानना चाहूंगा, आपने जो पुनः चुनाव में सहयोग किया है, इसका क्या कारण है कि मतलब इनके काम को लेकर के, या फिर पार्टी ने इनको एक जिम्मेवारी दी है, क्या सोच कर? मनोज कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक संयोजक के रूप में हमको मिले, जो यहाँ का नगर अध्यक्ष बना, बीच में काम नहीं किया संगठन को, जिला अध्यक्ष ने उसको हटा के इनको संयोजक बनाया, मंडल अध्यक्ष नहीं संयोजक बना, और एक संयोजक के रूप में और हम लोग के मार्गदर्शन में सारे वरिष्ठ भाजपाइयों का मान सम्मान देते हुए इसने इतना अच्छा काम किया कि हम लोग ने इसको आशीर्वाद दिया, और पुनः इसको अध्यक्ष बनाने के लिए हम लोग जी जान से मेहनत किए और आगे भी आशीर्वाद देंगे कि ये बहुत आगे बढ़े। चलिए, ऐसे में हम जानते हैं ओबीसी के जिला से अध्यक्ष रहे हैं, उनसे भी कि जिला अध्यक्ष होने के नाते आखिर क्या कारण रहा कि मंडल के लिए आपने मनोज गुप्ता जी को सहयोग किया? मनोज जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और हम लोग से बहुत स्नेह इनको रहा, और मैं हार्दिक दिल से इतने नगर मंडल में मेरे साथ काम किए हैं, जब जब मैं इनको साथ लिया वह हमारे सहयोग में बहुत खरा उतरे, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि ऐसा वर्कर नौजवान मिले हमको कि जो पार्टी के नेतृत्व में बहुत काम करे। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, गृह राज्य मंत्री जी को बधाई देते हैं, और जिला अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं कि ऐसे ऐसे नौजवान को कन्हा पर कार्य को सौंपे कि जो जिम्मेवारी पूर्वक करे, और हम लोग पर भी पूर्ण ढंग से हम लोग मिलकर साथ समर्पित हैं और हम लोग सहयोग में भी संपूर्ण योगदान देंगे, जहां भी हमारी माने इनकी योग्यता की जरूरत होगी, उनको समर्थन की जरूरत होगी, हम लोग इनके साथ हैं और इनके कार्यकाल से बहुत खुश हैं, इसलिए इनको चलिए। अभी आपने सुना, बड़े और बड़े लोग तो जरूर हैं इनके साथ, साथ में वो भी नौजवान हैं जो कि अभी राजनीति में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मनोज गुप्ता जी से आपका क्या उम्मीद है और आप क्यों जुड़े हैं इनसे? मनोज गुप्ता जी नगर अध्यक्ष जिसमें बने, बूथ स्तर तो इतना सक्रिय कार्यकर्ता है आ काम किए कि जिस समय इनसे वोट का वृद्धि हुआ, बहुत निस्वार्थ कार्यकर्ता है, इनका व्यवहार आचरण स्वभाव बोलने का तरीका शैली समझाने का बहुत अच्छा है, साधारणीय है, इसीलिए हम इनको फिर दोबारा अध्यक्ष बनने के पक्ष में थे, आगे भी हम इनके साथ रहेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बीजेपी का टिकट भी मिलता है विधायक का, और पार्टी दे तो हम लोग मिलकर विधायक को जिताने का भी काम करेंगे, उस स्तर तक वोट है। यहाँ 19 गो जिसे में नगर पंचायत है जिसमें से हम लोग 17 गो वार्ड जीत जाएंगे, यहाँ भी चेयरमैन बीजेपी के बनेगा, वोट का कमी नहीं है, यहाँ सक्रिय कार्य करना है, मेहनत करना है, मेहनत और लगन से करेंगे, यहाँ सीट निश्चित बीजेपी जीत जाएगी विधायक का। आपने सुना, और ऐसे में और भी हमारे मनेर विधानसभा के लोग यहाँ उपस्थित हैं जो काफी मतलब अपने आप में कार्य रूप में एक अपना महत्व रखते हैं, और आला अधिकारी जो हैं बीजेपी के उनके नजर में उनके अलग एक छवि है, उनसे भी बात करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, आखिर क्या आपको ऐसा लगा कि मनोज गुप्ता जी को ही आपने मतलब चुनने में सहयोग किया? देखिए, मनोज गुप्ता जी इसके पहले भी मंडल के संयोजक थे,
और इनका जो कार्य रहा पिछले 3 साल में बहुत अच्छा रहा, और इसके पहले मैं भी दियारा मंडल का अध्यक्ष था और ये भी संयोजक थे। तो हम लोगों ने मिलकर पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने पार्टी का काम जो है बढ़ाने का काम किया, पार्टी का जो सिद्धांत है गांव-गांव में पहुंचाने का काम किया। उसमें हम देखे कि मनोज जी का नौजवान है, इनमें लगन है, ये काम करते हैं, तो हम लोगों की तो इच्छा रहती है कि जो पार्टी में जो भी नौजवान है, जो नौजवान कर्ज करता है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ाए। मैं भी मंडल अध्यक्ष था, मेरे पिछले जो रीजन में जब मैं अध्यक्ष था उस समय 2 चुनाव हुए, 2019 में चुनाव हुआ एमपी का, तो दियारा में जो मत मिला था उस समय कम वोट मिला था, लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ तो हमारे साथ जो भी कमेटी के लोग थे जो दियारा मंडल से आते हैं, जो हमारे पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने मिलकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया, मेहनत किया, उसका रिजल्ट ये आया कि हम लोगों को 2020 के चुनाव में जो वोट, जो जादो इलाका है दियारा, जादो इलाके में जहां वोट कम मिला था 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में माननीय सांसद राम कृपाल जी को उससे ज़्यादा वोट मिला। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का देन है जितने मेहनत करके दियारा इलाका में जहां वोट बहुत ही कम था वहां वोट को बढ़ाने का काम किया। और अभी नए अध्यक्ष जो हैं हमारे उमेश यादव जी हुए हैं, जो हमारे पहले महामंत्री थे, उनसे भी हम लोग आशा करते हैं कि वो भी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको गांव-गांव पहुंचाने का काम करेंगे। और मनेर में जहां जहां हमारा पार्टी का जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जहां लोग पार्टी के सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं, उसको पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हमने जो भी 3 मंडल अध्यक्ष बने हैं, हमारे यहाँ 3 मंडल है, नगर है, दियारा है और ग्रामीण है, मैंने 3 मंडल अध्यक्ष को बधाई दिया हूँ कि भाई आप लोग अध्यक्ष बन गए, मनेर में जो है आप जो पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाइए। और हमारी इच्छा रहती है कि जो भी पार्टी के लोग हैं सब लोग काम करें। और कई लोगों ने नॉमिनेशन किया था, यहाँ भी 7 नॉमिनेशन हुआ था, दियारा में हमारा 8 नॉमिनेशन हुआ, ग्रामीण में भी 7 लोगों ने नॉमिनेशन किया। सभी लोगों की इच्छा होती है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, लेकिन पार्टी को तो निर्णय करना है, कोई एक ही आदमी अध्यक्ष बन सकता है, तो एक आदमी अध्यक्ष बन गया। पार्टी का जो निर्णय हुआ है सबको मानना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए, सभी लोग हम लोग एक परिवार हैं। अगर हमें सुनने में आया कुछ विरोधी लोग इस तरह का हवा उड़ा रहे हैं कि फलना बन गया, फलना क्यों नहीं बना, ये विरोधियों का चाल है, ये सफल होने वाला नहीं है। पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी मनेर प्रखंड में, मनेर विधानसभा क्षेत्र में पूरी एकजुट है, और पार्टी का जो सिद्धांत है उसको हम लोग काम करने का काम करेंगे। आज हम आए थे मनोज जी को बधाई देने के लिए, मनोज जी को हमने शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि ऐसा आदमी नौजवान आए, तो हम लोग हम पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने एक नौजवान को चुनने का काम किया जो पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से अच्छा काम किया, उसका आपने रिजल्ट दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश नेतृत्व को। अच्छा, आप भी कहना चाहेंगे क्या, आखिर ऐसा लगा क्या होना चाहिए था ऐसा? मैं मनोज जी का अध्यक्ष जी का टीम में पार्टी से अध्यक्ष इनके साथ काम करते हुए उनका काम हम देखे बहुत ही लगन से, इस संगठन को बहुत बेसक स्तर पर बहुत मतदान बने, मनेर में एकत्र किए उसको बहुत मजबूत तो और बहुत आगे ले बिखरा हुआ था जो था पहले, और इनको ये पद के लिए ये उपयुक्त थे जो इनको मिला, इसके लिए उनको बहुत बहुत। चलिए अच्छा बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे मनोज जी को लेकर के, इनके काम को लेकर, इनके सम्मान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो उचित निर्णय है। मैं इनके कमेटी में महामंत्री था और भविष्य में भी इनके साथ मिलकर हम लोग पार्टी के लिए, इनके लिए जहाँ भाजपा का जो भी जरूरत पड़ेगी सिपाही के तौर पर हम लोग काम करेंगे। जब तक हम पार्टी ने हम नौजवानों को जो मौका दिया है वो हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ लेकर अपना कर्तव्य को निभाएंगे, और भविष्य में कभी भी पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो सिपाही बनकर अपना काम हम लोग करेंगे। अभी आपने सुना और
उन्हीं नौजवानों के बीच एक नौजवान और हैं जो कि आपके मंडल अध्यक्ष जो हैं उनके कामों को तेजी देने में उनका भी हाथ रहा है, कैसे क्या कहेंगे आप? मैं बीजेपी का नगर मंडल का मंत्री था, और मेरे मनोज भैया जो संयोजक है वो बहुत लगन से बीजेपी के लिए काम किया, और मेरे मनोज भैया आज भी वैसा ही काम करेंगे जो पहले बोले हुए थे मनोज भैया कि मैं एक सिपाही हूँ, और वो करके दिखा रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। चट्टान जैसे खड़े रहते हैं हर एक समय, बीजेपी के लिए वो काम बहुत जोर शोर से करेंगे। संयोजक में भी काम किए थे और नगर मंडल में भी आया है तो बहुत ही जोर शोर से काम चलेगा। और रह गया कि नगर पंचायत का आने वाला समय में भी हम लोग सही बात है कि 17 से 18 सीट बीजेपी का होगा और यहाँ भी बीजेपी की सरकार होगी। अभी आपने सभी लोगों को सुना, देखिए मैं ये बताऊं, मनेर विधानसभा क्षेत्र जो है वो थोड़ा समीकरण का है, ये यादव का क्षेत्र है, यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, और ऐसे में आपने अभी जितने भी हमारे यहाँ जो विधानसभा के यहाँ मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, ऐसे में जिन लोगों को आपने सुना, किसी जाति विशेष से नहीं है, इस जाति में, इस अभी जो आपने सुना इस इंटरव्यू में जो भी पूछे गए, अनेक जाति से यहाँ लोग उपस्थित हैं और सभी ने मनोज गुप्ता को सराहा है, जबकि ये क्षेत्र यादवों का है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनोज पांडे, दिल्ली। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़, सिर्फ सच।